फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्रेमाफिन प्लस सिरप के बारे में। दोस्तों क्रेमाफिन प्लस सिरप से ज्यादा जानना जरूरी है कि कब्ज किस कारण की वजह से बनता है, कब्ज होने पर आपको क्या क्या तकलीफ होती है और यदि कब्ज ज्यादा पुराना हो जाए तो इससे आपको और भी खतरनाक क्या बीमारी बन सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कब्ज बनने के कारण और कब्ज बनने पर आपको किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों कब्ज बनने का सबसे बड़ा कारण तो है खानपान। अगर आप खानपान में अनदेखी करेंगे, क्या होता है कि आजकल लोग ज्यादातर बाहर का खाना पसंद करते हैं, बाहर का रेडीमेड खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा फ्राई वगैरह या ज्यादा तले हुए पकौड़े समोसे ऐसी चीज खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों ऐसी चीज खाने से क्या होता है, हमारे पेट में बदहजमी हो जाती है और बदहजमी होने पर एक वो कब्ज का रूप ले लेता है। अब दोस्तों कब्ज होने पर क्या होता है वह मैं आपको बता दूं। दोस्तों आप डेली फ्रेश नहीं हो पाते, आपको डेली थोड़ी थोड़ी पोटी आती है बट आपको कंफर्टेबल तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते, जिस कारण की वजह से आपको बहुत ज्यादा बदहजमी होती है, आपको खट्टी मीठी डकार आती है, बहुत ज्यादा बदबूदार हवा होती है, जिस कारण की वजह से आप ऑफिस में या फिर किसी मीटिंग में आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी सामना करना पड़ता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन तक भी उनको पोटी नहीं आती, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनको डेली पेट में दर्द होता है या फिर उनको भूख नहीं लगती, उनको हाजमा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी कारण की वजह से उनकी हेल्थ भी डेवलपमेंट नहीं होती, उनकी हेल्थ भी डाउन होने लगती है। दोस्तों ये तो होगी कब्ज के बारे में पूरी जानकारी, कब्ज होने पर हमें कितनी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया इसके अलावा और भी कई खतरनाक बीमारी कब्ज होने पर बन जाती है, जैसे बवासीर। बवासीर दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है, बवासीर होने पर आपको कई तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास किसी मेडिसिन लेने जाते हैं किसी भी की अपनी मेडिसिन लेने जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले मालूम करता है कि आपको डेली फ्रेश हो पा रहे या नहीं हो पा रहे, क्योंकि दोस्तों पेट खराब होने की अलामत में, क्योंकि ऐसे में डॉक्टर समझ आते हैं कि पेट खराब होने से इसको तकलीफ ये हो रही है। तो दोस्तों बवासीर के बारे में बात करो तो बवासीर किस कारण की वजह से बनता है, जब आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन पोटी नहीं आएगी तो ऐसे में क्या होता है, जब हम मलत्याग करते हैं, मलत्याग करते समय जब हम जोड़ लगाते हैं, जो हमारी गुदा होती है, जब हम जोड़ लगाते हैं, जोड़ लगाने पर हमारी गुदा के पास छिल जाता है, जिसको दोस्तों रैशेज भी कहते हैं या फिर इसको फिशर भी कहा जाता है। फिशर होने पर दोस्तों धीरे धीरे वो बवासीर का रूप ले लेता है और उसमें बवासीर में मस्से बन जाते हैं, ब्लीडिंग वाली बवासीर हो जाती है या फिर बादी वाली बवासीर बन जाती है। तो दोस्तों बवासीर जो होती है कब्ज होने की ही दिक्कत से, कब्ज होने की परेशानी से ये आपको बवासीर की शिकायत होती है। तो दोस्तों आप याद रखिए आपको पेट दुरुस्त रखना है, अगर आपका पेट दुरुस्त रहेगा आपकी हेल्थ दुरुस्त रहेगी और आपको कोई बीमारी आसपास नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तो होगी कब्ज के बारे में और बवासीर के बारे में पूरी जानकारी। अब जानते हैं इस सिरप के पीने से कितने आपको फायदे होते हैं, इस सिरप को किस किस को लेना चाहिए, कितनी एज तक के लोग ले सकते हैं और इस सिरप के लेने से कितनी देर में आपको आराम मिल जाएगा, तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस सिरप के बारे में। दोस्तों इसका नाम है क्रेमाफिन प्लस सिरप। एज यू नो दोस्तों आपने इसका नाम पहले से पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैं बहुत देर से आपके सामने ये शो कर रहा हूँ इसलिए आप इसका नाम पहले से पढ़ चुकेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके फ्लेवर की बात करें तो यहाँ पर इसका टेस्ट लिखा हुआ है, फ्लेवर लिखा हुआ है रिफ्रेशिंग। दोस्तों रिफ्रेशिंग जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, आप इसको आसानी से बहुत ईजी तरीके से ले सकते हैं पानी के साथ ऐड करके, ये ज़्यादा कड़वा नहीं होता, मतलब कड़वा तो होता है नहीं, मीठा होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन से, आपको कब्ज से इससे तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। दोस्तों इसके लेने से कितनी देर बाद आपको रिलैक्स मिल जाएगा वह भी मैं आपको बताता हूँ। इसको लेने से आपको 3 से 12 घंटे लगेंगे और आपका जो पेट है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कितना ही कब्ज क्यों ना है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आता है और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर ये शुगर फ्री लिखा हुआ है, शुगर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों इस शुगर वाले पेशेंट लेने से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनको शुगर लेवल अप या डाउन नहीं होगा, तो शुगर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसकी क्वांटिटी की बात करें 225 ml इसकी क्वांटिटी है और इसकी प्राइस की बात करें तो 203 रुपये इसका प्राइस होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसके लेने के तरीके के बारे में, कौन कौन इसको ले सकता है। दोस्तों 12 साल से कम एज के बच्चे इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, 12 साल से यदि ओवर एज है, 12 से 18 साल तक के बीच में एज है तो आप इसको 5 ml रात को सोते टाइम इसका इस्तेमाल करना है, और यदि आपकी एज 18 साल से ओवर है तो 2 से 3 चम्मच भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के दौरान आपको 1 कप पानी चाहिए और 2-3 चम्मच ये चाहिए। दोस्तों 1 कप पानी के अंदर ऐड करके आपको रात को सोते टाइम इस्तेमाल करना है, और यदि आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा है तो इसको सुबह शाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 5 दिन तक इस्तेमाल रेगुलर इस्तेमाल करने पर यदि आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है तो आप इसको पीना स्टॉप कर दें, और दोबारा से यदि आपको कब्ज की समस्या फिर से स्टार्ट होती है तो आप इसको अल्टरनेट डे पीते रहें। दोस्तों ज़्यादा इसको रेगुलर नहीं लेना है, अगर यदि आप इसको रेगुलर लेंगे तो आप इसके हैबिटेट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको रेगुलर इस्तेमाल करने से उसकी हैबिट बन जाती है, तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आती है और जो कंपनी की बात करें तो अबॉट कंपनी है। और दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके लेने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना हो, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के साथ साथ बताता हूँ तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ओवरडोज लेने पर आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपको स्किन की एलर्जी हो सकती है, आपको स्टोमैक हो सकता है, आपके पेट में ऐंठन हो सकती है, आपको चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है, या फिर आपको गुदा में जलन हो सकती है। तो दोस्तों इसको ओवरडोज इस्तेमाल नहीं करना है, क्वांटिटी में ही इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप जानते हैं इसको किस तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए, यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके आंतों में कोई दिक्कत है या फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 5 दिन तक रेगुलर लेना है तो 5 दिन से ज़्यादा इस सिरप का इस्तेमाल न करें।
दोस्तों ये तो होते हैं इसके साइड इफेक्ट। अब जानते हैं यदि आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो उस मेडिसिन खाने के दौरान भी आप इस सिरप को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दोस्तों यदि डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी है जिसके अंदर लिखा हुआ है एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फोर्सीमाइड या फिर प्रेडनिसोलोन, दोस्तों ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स को नज़ले जुकाम खांसी में या फिर इन्फेक्शन में कोई किसी तरह का जख्म सुखाने में देते हैं। यदि आप ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं तो उस दौरान इस सिरप का इस्तेमाल करें या फिर डॉक्टर से मालूम करके इस सिरप का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना क्रेमाफिन प्लस सिरप का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किस स्थिति में इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कौन सी पेशेंट यानी कि कब्ज की समस्या से आपको कैसे रिलैक्स मिल सकता है, कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, और यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझसे और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो को सुझाव दे सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।